हमारे युवा नेता और हमको सभी को प्रेरणा देने वाले जो भारत जोड़ो यात्रा हजारों किलोमीटर चल के उन्होंने ये दिखाया कि कांग्रेस पार्टी के लोग भारत जोड़ो में कितना जोश के साथ आ सकते हैं और देश के जोड़ने में कितने लोग हमारे साथ मिल सकते हैं, इसका सबूत उन्होंने अपने 4000 किलोमीटर जो पादयात्रा में उन्होंने दिया। ऐसे हमारे युवा नेता श्रीमान राहुल गांधी जी, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ, सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, ये जो कांग्रेस ऑफिस है ये बड़ा महत्व देश के इतिहास में रखता है और इस ऑफिस से ही जो कोई नेता निकला वो देश के आज़ादी के लिए लड़ा और हमें खुशी है, गर्व है कि बाबू राजेंद्र प्रसाद जी इस देश के प्रथम राष्ट्रपति बने, वो इसी जगह से बने और यहाँ के लड़ाई से बने। तो आज ऐसे पवित्र जगह पे हम आए हैं और समय की कमी होने के कारण ज़्यादा बात भी नहीं कर सकते क्योंकि हम ऑल पार्टी की मीटिंग में हमको जाना है। तो मैं दोस्तों आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ, सम सारे विपक्ष पार्टी के लोग हम एक होना और मिलके आने वाले 224 में लड़ना, और इसलिए राहुल गांधी जी ने पहला कदम उठाया और उन्होंने हमको कहा और हम और राहुल गांधी जी ने मिलके हमने ये सोचा, हर एक पार्टी के नेता को बुला बुला कर बात करेंगे और आगे सभी मिलके कदम उठाएंगे। तो उसी नियत से यहाँ पर आज हम पटना में मीटिंग कर रहे हैं और आप लोगों के साथ मिलने का और आपका आशीर्वाद लेने का भी ये वक्त हमको मिला है। इसीलिए मैं इतना ही कहूँगा, हमारे पार्टी के जो उसूल है और हमारे पार्टी की जो आइडियोलॉजी है इसी को बिहार कभी नहीं छोड़ सकता और बिहार अगर हम जीत गए तो सारे हिंदुस्तान में हम जीत जाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप सब मिलके कांग्रेस पार्टी को जिताइए, मिलजुल के काम करिए, चाहे कुछ भी छोटे मोटे कुछ आपके पास मतभेद भी हो उस मतभेद को निकाल दो, देश के लिए, संविधान बचाने के लिए, डेमोक्रेसी बचाने के लिए यह आपका काम है और आपके हकूक को बचाने के लिए आपको लड़ना होगा, सबको एक करना होगा। इसीलिए जो राहुल गांधी जी ने कोशिश की और कोशिश कर रहे हैं उसको हम आगे लेके जाना है। इतना कहते हुए मेरे चार शब्द को समाप्त करता हूँ, जय हिंद, जय बिहार। आपका मूड कैसा है? मूड अच्छा है। आप जानते हो कि हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई चल रही है, एक तरफ कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो वाली विचारधारा और दूसरी तरफ बीजेपी आरएसएस की भारत तोड़ो वाली विचारधारा, यह लड़ाई है। और इसीलिए
आज हम बिहार आए हैं, क्योंकि बिहार में कांग्रेस पार्टी का जो डीएनए है वो बिहार में है। आपने हमारी भारत जोड़ो यात्रा में बहुत मदद की। हर स्टेट में अजीब सी बात थी, हर स्टेट में मैं पूछता था कहां से आए हो, कहते थे बिहार से आया हूं। जहां भी जाओ, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, सब जगह बिहार के लोग हमारे साथ चले थे। बिल्कुल, तो आपने यात्रा में हमारी मदद की, क्योंकि आप विचारधारा को मानते हो और विचारधारा को आप गहरी तरह से समझते हो। बीजेपी हिंदुस्तान को तोड़ने का काम कर रही है, नफरत फैलाने का काम कर रही है, हिंसा फैलाने का काम कर रही है, और कांग्रेस पार्टी जोड़ने का काम कर रही है और मोहब्बत फैलाने का काम कर रही है। क्योंकि आप जानते हो, आप बहुत अच्छी तरह जानते हो कि नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है, नफरत को सिर्फ मोहब्बत काट सकती है, और हम नफरत से लड़ते हैं, इसलिए हम मोहब्बत की बात करते हैं। यहां पे देश के सब ऑपोजिशन की पार्टियां आई हैं, एक साथ मिलकर हम बीजेपी को हराने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कर्नाटक में बीजेपी के नेताओं ने बहुत लंबे भाषण किए, हर कोने में घूम लिए, और नतीजा आपको दिख गया कर्नाटक में क्या हुआ। देखा आपने, तो बीजेपी कह रही थी कि उनकी बहुत भारी जीत होगी, और नतीजा आपने देख लिया। जैसे ही कांग्रेस पार्टी एक साथ खड़ी हो गई, वैसे कर्नाटक में बीजेपी गायब हो गई। और मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में आपको बीजेपी नहीं दिखाई देगी, कांग्रेस पार्टी जीत के दिखाएगी। क्यों? क्योंकि हम गरीबों के साथ खड़े हैं। पूरा देश समझ गया है कि नरेंद्र मोदी जी बीजेपी का मतलब सिर्फ 2-3 लोगों को फायदा पहुंचाना, देश का पूरा धन उनके हवाले करना। कांग्रेस का मतलब गरीबों के साथ खड़ा होना, गरीबों के साथ मिलना, गले लगना और गरीबों के लिए काम करना। आप यहां आए, प्यार से आए, इसके लिए आपको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को याद दिलाना चाहता हूं, चाहे वो बिहार हो, चाहे कोई भी दूसरा प्रदेश हो, आप हमारे बब्बर शेर हो, आप हमारी विचारधारा के लिए लड़ते हो, आप हमारी विचारधारा के लिए लड़ते हो, और आपकी रक्षा करना कांग्रेस पार्टी का काम है। हम सबका, नेताओं का काम है कि कांग्रेस पार्टी की जो कार्यकर्ता है, जो फाउंडेशन है, जो नींव है, उसकी रक्षा करना, और ये काम हम आपके लिए पूरा करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।